हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। दोस्तों कल मैच होने वाला है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल का 35वां मैच। अभी तक 4 मैच हुए हैं, 4 में हमारा काम चारों पास गया है। एक जैकपॉट भी दिया हूँ ओपन टेलीग्राम पर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम ज्वाइन रखिएगा और यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब रखिएगा। कभी भी कहीं भी मैच आ सकता है जिससे आप प्रॉफिट में रहेंगे, ठीक है। इसलिए ज्वाइन रखिएगा टेलीग्राम। वीडियो को पूरा सुनिएगा, इसमें आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिसे आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन जीतने का चांस ज़्यादा है। ये सार जहाँ क्रिकेट स्टेडियम में होगा 24 सितंबर 7:30 बजे। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें विराट कोहली जो इस टीम के कैप्टन हैं, देवदूत पाडिकल, सरकीर भरत ये आपको खेलते हुए दिखेंगे, ग्लेन मैक्सवेल, ए बी डिविलियर्स, सचिन बेबी, वनंदु हरसंघा, कार्ले जेमिनेसन, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज और युवेंद्र चहल देखने को मिलेंगे खेलते हुए। इनके की प्लेयर्स विराट कोहली, ए बी डिविलियर्स, ग्लेन मैक्सवेल और चहल, यही 4 खिलाड़ी इस टीम के सबसे बड़े बैट्समैन हैं और एक बॉलर है चहल। अगर ये चलते हैं तो टीम मैच जीतती है, नहीं तो नहीं जीत पाती है टीम। और दूसरी तरफ है चेन्नई सुपर किंग्स जो अपना लास्ट मुकाबला मुंबई को हरा के आई है, और मुंबई जैसी टीम को हराने के लिए एक बहुत ही अच्छी टीम का होना बहुत बड़ा ज़रूरी है। चेन्नई आईपीएल की दूसरी सबसे बेस्ट टीम है। इसमें आपको ऋतुराज गायकवाड़ देखने को मिलेंगे जिन्होंने लास्ट सबसे बेस्ट पारी खेली थी और इन्हीं के बदौलत चेन्नई मैच जीत पाया था। फैट डुप्लेसी बहुत बढ़िया खेलते हैं, लास्ट मैच में नहीं चले पर इस पे पहले फॉर्म में थे। मोइन अली, सुरेश रायना, अंबती रायडू जिनका आज जन्मदिन है और हो सकता है कल ये अच्छा पारी भी खेलें, फॉर्म में भी चलाते हैं पर इन्हें लास्ट मैच में चोट लग गई थी जिसकी वजह से खेल नहीं पाए। रविंद्र जडेजा सब जानते हैं कि इनकी हीटिंग और बॉलिंग तो है ही कमाल की। सैम करन आपको कल खेलते हुए दिख सकते हैं जोश हेजलवुड के जगह पे। हेजलवुड ने बहुत रन दिए थे पर लास्ट में मुंबई के पोलार्ड को आउट कर दिया था जिसके बदौलत इन्हें चांस मिल सकता है। एमएस धोनी, ड्रेन ब्रावो, सरदुल ठाकुर और दीपक चहर आपको कल खेलते हुए दिखेंगे चेन्नई की तरफ से। टीम काफ़ी बढ़िया है और बेंगलोर भी काफ़ी बढ़िया है। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की, तो टोटल 28 मैच हुए हैं। 28 में से 9 मैच आरसीबी और 18 में सीएसके ने जीता, यानी कि सीएसके ज़्यादातर मैच जीतती है। पर अगर हम बात करें 2019 से तो 5 में 3 सीएसके और 2 आरसीबी ने जीते हैं, यानी कि टक्कर बराबर का है अगर लास्ट 2 साल के रिकॉर्ड देखें। टोटल मैच इन इंडिया में 22 हुए हैं जिसमें से 15 सीएसके और 6 आरसीबी। इंडिया के बाहर जब हुए हैं तो 6 में 3 जीती है। आरसीबी का एवरेज इनिंग स्कोर सीएसके के खिलाफ 145 है और सीएसके का 154 है, यानी कि सीएसके यहां भी आगे है। मोस्ट रन आरसीबी का विराट कोहली का है 909 और उनका एमएस धोनी 737। विकेट चहल ने लिए हैं सबसे ज़्यादा 13 और उनके तरफ से जडेजा ने लिए हैं 15। आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पता लग गई। अब बात करते हैं जिस ग्राउंड का में है, 13 में से 9 बार फर्स्ट बैटिंग जीती है, सेकेंड बैटिंग 4 बार जीती है। पहले इनिंग का स्कोर 149 है, सेकेंड का 131 है, यानी कि फर्स्ट बैटिंग को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो टॉस जीतने के बाद पता लगेगा कि किसके पास ज़्यादा एडवांटेज होगा कल के मैच में। मुझे लगता है कल के मैच का विनर चेन्नई सुपर किंग रहेगा। आप कमेंट करिए और टेलीग्राम ज्वाइन रहिए। मिलते हैं आपसे कल दोस्तों, बाय बाय।